अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं शहबाज मलिक व्लॉग। जी दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी है आलू अंडे ग्रेवी वाले। आलू अंडे ग्रेवी वाले मैं अपने घर में अपने तरीके से किस तरह से तैयार करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। आलू अंडे ग्रेवी वाले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू अंडे ग्रेवी वाले बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए 200 ग्राम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 200 ग्राम कुकिंग ऑयल लेने के बाद फिर मैंने इसमें एक पाव तकरीबन प्याज दिए थे, जो इस तरह से मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं। प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें लहसुन अदरक और दूसरे मसाले डालकर आलू फ्राई कर लेते हैं। عليكي جمال وقلبك صافي وابن حلال। ये देखें दोस्तों, प्याज मेरे गोल्डन हो गए। अब मैं इन्हें निकाल लूंगा प्लेट में, इनको मैं निकाल लेता हूँ प्याज। प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी आयल में सबसे पहले जो हमने अंडे बॉईल किए हैं, अंडे और आलू मैं इन्हें फ्राई कर लूँगा। ये जब इस तरह से आप फ्राई करके आलू अंडे बनाएंगे तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और जायकेदार आलू अंडे बनेंगे ना, ये क्या ही कमाल है। सबसे पहले मैं अंडों को गोल्डन, हल्का सा गोल्डन करके मैं निकाल लूँ, फिर मैं आलूओं को भी थोड़ा सा गोल्डन करके निकाल लेता हूँ, फिर हम इसका दूसरा मसाला रेडी करते हैं ग्रेवी वाला। आठ अदद अंडे लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने खाना चाहें आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और आधा किलो तकरीबन 500 ग्राम मैंने आलू भी लिए। अब अंडे मेरे गोल्डन हो गए हैं, इनको मैं अब डिश आउट कर लेता हूँ दूसरी प्लेट में, फिर मैं इसी ऑयल के अंदर आलू डाल लेता हूँ। आलू हमारे हल्के से गोल्डन हो जाए, आलू भी मैं कच्चे निकाल लेता हूँ। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारे ये आलू भी फ्राई हो जाएंगे। बस 3 मिनट के अंदर ही हमारे आलू गोल्डन से हो जाएं, फिर आलूओं को भी हम डिश आउट करते हैं, फिर इसका मसाला रेडी करते हैं। तो आलू भी माशाल्लाह हमारे हल्के से गोल्डन हो गए, आलू भी मैं निकाल लेता हूँ प्लेट में। 3 अंडों के साथ आलू अंडे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इस कुकिंग ऑयल के अंदर सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, और इसी में मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्ची डाली हैं। लहसुन के जवे थे तकरीबन 12 अदद और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था वो मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारा गोल्डन सा हो जाए बस हल्का सा, फिर हम इसमें टमाटर और मिर्च मसाले डालें। लहसुन हमारा अदरक हमारा माशाल्लाह गोल्डन हो गया। अब इसमें मैं 4 अदद मैंने दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, जो इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से। टमाटरों का मैंने छिलका रिमूव कर दिया है, वो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें डालें, छिलका उतारें या ना उतारें। हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं, फिर हम इसमें अपनी ग्रेवी के हिसाब से जितना हमें ग्रेवी करनी है उसमें नमक पाक जाए। टमाटर और मसाले जाके इसी तरह मेरे भून जाएं,
टमाटर नरम हो जाए फिर मैं इसमें माशाल्लाह टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए थोड़े से। अब इस स्टेज पे जो मैंने गोल्डन प्याज ब्राउन करके निकाले थे वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह ग्रेवी हमारी पकना शुरू हो गई है, इसे थोड़ी देर और मज़ीद पकाते हैं फिर मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। आलू अंडे ग्रेवी अली की गमन वो قلبك صافي وابن حلال معاكي بعيش في راحة بال ومن غيرك بكون محتار وجودي جی دوستو ماشاءاللہ ہمارے آلو انڈے گریوی والے پرفیکٹ ریڈی ہیں۔ دراصل وہ گریوی والا پارٹ میں آپ کو دکھانا بھول گیا، وہ مجھ سے مس ہو گیا۔ جب میں نے اس میں مسالہ بھونا پیاز براؤن کر کے ڈالے تھے तो मैं आपको बताना ये भूल गया था कि पानी मैंने इसमें कितना डाला है। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें रखिएगा जितनी आपको ज़रूरत है। तो अगर आपको ये मेरी आलू अंडे ग्रेवी की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।